नमस्कार दोस्तों, एजी पढ़ो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9। और ये भी सपोर्टिंग मटेरियल से हम पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन की हेल्प के लिए मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दो ऐप डाल रखी है, ठीक है। आप उन दोनों ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। आपको उसमें मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप डाउनलोड कर लें दोनों। एक का नाम है तिवारी एकेडमी और दूसरे का नाम है नेटिव प्लेनेट, ठीक है। दोनों ही बहुत यूजफुल ऐप्स हैं आपके लिए, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें दूसरों के साथ, ओके। और इसके साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन भी होता है, वहां पर जाके आप अपनी बात को रख सकते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाएगी और जो भी होगा उसके रिगार्डिंग मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के चैप्टर की, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन लेंगे, ये है क्या, कैसे है, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही अपनी वीडियोस में। तो आज हम बस इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर बहुत ही आराम से मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि मटर, मानव वे मटर का वैज्ञानिक नाम लिखें। तो दोस्तों, मानव का वैज्ञानिक नाम होता है, आप सभी मेरे ख्याल से जानते होंगे, क्या, होमो सेपियंस, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस और मटर का वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम वो होते हैं जो पूरे संसार में एक जैसे रहते हैं, ठीक है ना, और ये कहीं बदलते नहीं हैं। इसलिए ताकि अलग अलग भाषाओं में हर एक जीव के नाम अलग अलग होते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम वैज्ञानिक नाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का है यानी मानव का है, इंसान का जो नाम है वो है होमो सेपियंस, और मटर का मैं आपको बता देता हूँ, तो मटर को हम बोलते हैं पाइसम सेटिवम, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका होगा पाइसम, आप लिख लें, आई थिंक आप लिख लेंगे, फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो पाइसम, ठीक है, और सेटिवम। दोस्तों देखिए, नाम इंग्लिश में होते हैं लेकिन इन्हें हिंदी में भी हम यही कहते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंशन अब ना लें, आप जो है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं PISUM, पाइसम सेटिवम, या आप हिंदी में भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पाइसम सेटिवम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि जीन कहाँ उपस्थित होते हैं। तो जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, तो देखिए, जो कोशिका होती है, ठीक है ना, कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में, ठीक है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, तो इसीलिए वो मिलता है नाभिक में। तो आप लिख दीजिएगा आंसर, क्या लिखेंगे, कि कोशिका के नाभिक के, ठीक, कोशिका के नाभिक में, ये याद रखिएगा, इसी वाले पार्ट में जीन मिलती है, डीएनए मिलता है, ओके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि एक जनसंख्या के दो सजीव पूर्ण रूप से समान नहीं होते, क्यों। तो इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है ये, कि एक ही जनसंख्या में बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं और सभी अलग अलग होते हैं। उसका कारण ये है कि हर जीव में जो डीएनए प्रतिकृति बनती है, डीएनए, ठीक है, इस इंग्लिश में से कहते हैं डीएनए कॉपिंग। तो जो डीएनए प्रतिकृति बनती है, कॉपी को हम हिंदी में प्रतिकृति बोलते हैं, ओके, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो डीएनए प्रतिकृति बनती है, यानी कि जो डीएनए कॉपी इनकी बनती है, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे से थोड़ी सी अलग होती है। उनमें अगर एक ही प्रजाति के जीव हैं तो डीएनए की जो कॉपी होगी वो लगभग लगभग बहुत ज़्यादा हद तक एक जैसी होगी, लेकिन बहुत ही स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा इसमें थोड़ी सी विविधता पाई जाती है। तो आप इसका यही आंसर लिखेंगे, क्योंकि डीएनए प्रतिकृति में विविधता पाई जाती है, ठीक है, विभिन्नता होती है किसमें, डीएनए प्रतिकृति में। जब भी डीएनए कॉपिंग होती है, प्रतिकृति बनती है, तो उसमें विभिन्नता होती है। तो यही कारण है कि एक जनसंख्या में सभी जीव डीएनए यानी जेनेटिक रूप से, यानी कि अनुवांशिक रूप से एक समान नहीं होते, ठीक है, सकल सूरत हो सकती है लेकिन अनुवांशिक रूप से एक समान नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें पूछा गया है कि एक्स एक्स तथा एक्स वाई गुणसूत्र किस नाम से
जाने जाते हैं। दोस्तों एक बात और कि ये प्रश्न, इस प्रश्न के नीचे मैं प्रश्न कह रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक ऐसा देने वाला हूँ जिससे आप जितने भी साइंस के या फिर मैथ्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। हमारा एक ब्लॉग है और उसका नाम है मेरा इतिहास, उस पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको सारे क्लास टेंथ के सेक्शन में जाके, क्लास टेंथ के बटन पर जाइएगा मेन्यू पर, उसमें आपको सब मिल जाएगा। ओके तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो एक्स वाई और एक्स 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 गुणसूत्र किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत ही सीधा सीधा आंसर है इसका, जो एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं उनको हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, सेक्सुअल सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये है लैंगिक गुणसूत्र, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उन पांच सब्जियों के प्रजाति के नाम लिखिए जो जंगली गोभी से कृत्रिम चयन के द्वारा बनाई गई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपने मार्केट में देखी भी होगी। एक आप लिखेंगे सिंपल गोभी, दूसरी लिखेंगे ब्रोकली, फूल गोभी, और ये यहाँ पर, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायग्राम के साथ आप समझते हैं तो काफ़ी बेहतर और अच्छी तरह याद हो जाता है। तो पहली जो गोभी है गांठ गोभी, दूसरी जो गोभी है केल, तीसरी है ब्रोकली, चौथी है फूल गोभी, और पाँचवीं है गोभी सिंपल गांठ गोभी। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा गलत कर दिया इन्होंने, ठीक है। मैं आपको करेक्ट करा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ फिगर में मिस्टेक है कि गांठ गोभी ये वाली है, ओके, और सिर्फ गोभी ये वाली है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है इसमें, कि केल हम इसे ही कहते हैं, ब्रोकली इसे कहते हैं, और फूल गोभी इसे कहते हैं, और ये सारी की सारी किससे बनी है? ये सभी बनी है जंगली गोभी से। किससे बनी है? जंगली गोभी से, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नाम याद कर लीजिएगा। और एक बात मैं और बता दूं, आप ये समझ के चलिए कि ये बोर्ड में क्वेश्चन आने ही वाला है, ये 100% क्वेश्चन वाला है। अगर सीधा नहीं आएगा तो ये घुमा के आता है। तो इसमें आप एक चीज़ याद करिएगा, जैसे केल गोभी है तो इसके लक्षण क्या है ये जरूर याद कर लीजिएगा, कि केवल चौड़ी पत्तियाँ प्राप्त करनी हो तो हम केल का चयन करते हैं, और अगर हमें फुले हुए भाग चाहिए तो हम ये सिर्फ गोभी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोकली चाहिए, यानी ब्रोकली में लक्षण क्या है मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। ब्रोकली में पुष्पों में वृद्धि रोकना, फूल में अगर हमें वृद्धि रोकनी है तो हमें ब्रोकली चयन है, और मध्य पुष्प मतलब कि इसमें फूल जो है होते ही नहीं है, तो ये ऐसे हैं, ठीक है। तो इनके लक्षण भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम CBSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए, ओके। तो चलिए मैं क्वेश्चन अगला लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ये तो हो गया, ये 1 मार्क्स वाले थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समजात वे समरूप अंगों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। तो समजात वे समरूप अंगों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें, तो कैसे करेंगे? समजात वे समरूप अंगों में अंतर स्पष्ट, देखिए सिंपल सी बात है, समजात नाम आप समझ रहे होंगे, समजात का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति एक समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं समजात अंग, ठीक है। और समरूप जो देखने में एक जैसे हो परंतु के देखने में एक जैसे लेकिन कार्य अलग अलग है, बनावट अलग अलग है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलेंगे समरूप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके आ गया हूँ और मैं यहाँ विस्तार से आपको समझा देता हूँ। देखिए समजात का क्या मतलब है, समजात विभिन्न जीवों में यही अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे याद कीजिए, यानी वे लक्षण वे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति एक समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न हो उसे हम कहते हैं समजात अंग, ठीक है। अभिलक्षण लिखा आप अंग लिखिएगा, और उदाहरण के लिए पक्षी में, सरीसृप में, जलस्थलचर में, स्तनपायों में, इन सबकी जो है संरचना एक समान है लेकिन कार्य देखिए क्या है, अलग अलग है। पक्षी और हमारे, देखिए पक्षी में और सरीसृप में, सरीसृप मतलब जो नीचे रेंग कर चलते हैं, इन दोनों की जो संरचना है, शरीर की बनावट है, वो एक समान है लगभग, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, ठीक है। और समजात की अब बात कर लेते हैं, ये समरूप की बात कर लेते हैं, समरूप अंग हम किसे कहते हैं? तो समरूप अंग वो अंग होते हैं जो देखने में एक समान हो परंतु जो कार्य करने में एक समान हो, ठीक है। अब इसे कैसे समझेंगे आपके कार्य कौन कौन से एक समान है? अब जैसे पक्षी के जो आगे वाले भाग हैं और जो चमगादड़ के आगे वाले भाग हैं, इन दोनों की जो बनावट है वो बिल्कुल अलग अलग हैं लेकिन ये कार्य एक ही करते हैं, क्या? उड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए
समरूप अंग हम उसे कहते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग हो परंतु कार्य एक समान हो, तो उसे हम बोलेंगे समरूप अंग, यानी कि एक समान कार्य करने वाले। ठीक है, तो ऐसे अंगों को हम क्या कहेंगे? समरूप अंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे जरूर आता है। आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा वो गोभी वाला और एक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा आपके लिए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जब भी आपको डिफरेंस लिखना हो, दोनों में अंतर लिखना हो, तो आप क्या करेंगे? पहले डेफिनेशन फिर उदाहरण देंगे, तो दो पॉइंट ऐसे हो जाएंगे। तीसरे पॉइंट में आप बता सकते हैं कि दोनों ही, ठीक है, अगर संबंध पूछा जाए तो दोनों ही जीवाश्म ईंधन है उसके रूप में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब देखिए, जीवाश्म की बात कर रहे थे तो अगला क्वेश्चन आ गया, जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म क्या है? जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की विधियां लिखिए। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म जीवित जंतुओं के, यानी ये जंतु नहीं, जीवित प्राणियों के, ठीक है, जीवित प्राणियों के परिरक्षित अवशेष। परिरक्षित का मतलब क्या होता है? परिरक्षित का मतलब होता है कि छप गए हों, उसी में रह गए हों लंबे समय तक, तो उसको हम बोलते हैं परिलक्षित। ठीक है, तो जीवित प्राणियों के परिलक्षित अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी परिभाषा आपके सामने आ गई है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो जीवित ही वो दब गया था किसी चीज़ में, ठीक है, और छप गया वहीं पर, रह गया वो और छप गया वहीं पर, तो उसे हम बोलेंगे क्या? जीवाश्म। ओके, और जीवाश्म कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाता है, तो ये वो बता रहे कि कैसे हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ये बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, जीवाश्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और एक वो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं अकशेरुकी। ठीक है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम बोलते हैं कशेरुकी। याद कर लीजिएगा, ये जरूर आएगा, कशेरुकी, रीढ़ की हड्डी वालों को हम बोलते हैं कशेरुकी। ये मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ कि कशेरुकी कैसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, आप जो है क्या करिए, ये अ हटा दीजिए इसमें से। ठीक है, तो अभी हो गया कशेरुकी। ओके, तो जिन जीवाश्म में रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कशेरुकी कहते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसे हम अकशेरुकी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के दो दो उदाहरण याद कर लीजिएगा। नाइटिया एक प्रकार की मछली है जो कि कशेरुकी जीवाश्म का उदाहरण है। डायनासोर कपाल जो था वो भी कशेरुकी जीवाश्म का उदाहरण था, राजासोरस फैमिली वाला। ठीक है, तो ये चारों जीवाश्म के नाम याद कर लीजिएगा आप। अमोनाइट और ट्राइलोबाइट हैं अकशेरुकी, और नाइटिया और राजासोरस ये हैं कशेरुकी, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीवाश्म। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम जीवाश्म की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, कि कितने पुराने हैं। तो जीवाश्म कितने पुराने हैं उसका पता लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो है रिलेटिव मेथड, यानी सापेक्ष विधि। ठीक है, विधि का नाम लिख लीजिएगा, सापेक्ष विधि। और ये पहली लाइन इसमें यहाँ पे नाम नहीं दिया, मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप हेडिंग डाल के लिखिएगा एग्जाम में, याद रखिए बात। तो पहला है सापेक्ष विधि। ठीक है, तो सापेक्ष विधि में क्या होता है कि हम खुदाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। इसका मतलब क्या, ये समझा देता हूँ। मान लीजिए आप एक प्लेन यानी खेत में गए, आपने खुदाई शुरू की, तो सबसे पहले आप ऊपर की ज़मीन खोदेंगे, और अगर आपको ऊपर की ज़मीन में, ऊपर की मिट्टी में किसी का जीवाश्म मिल जाता है उसको एक तरफ रख लीजिए, फिर आप और गड्ढा कीजिए, और मान लीजिए आपने 4-5 फुट 10 फुट गहरा खोदा गड्ढा, और फिर वहाँ से एक जीवाश्म मिलता है उसको भी रख लीजिए, तो अब जो जीवाश्म आपने 10 फुट गहरे गड्ढे से प्राप्त किया है वो पहले वाले जीवाश्म से बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, अब इसे समझ लीजिएगा, आसानी होगी आपको मेरे ख्याल से। जो पहले प्राप्त हुआ उसकी उम्र कम थी, और जो नीचे 10 फुट गहराई में प्राप्त हुआ उसकी उम्र अधिक थी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सापेक्ष, यानी कि हम एक दूसरे की रिलेटिविटी यानी तुलना करते हैं कि कौन सा ज़्यादा नीचे है, जो ज़्यादा नीचे होता है वो अधिक पुराना होता है। आई होप कि आपको सापेक्ष विधि समझ में आ गई होगी। और दूसरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग में क्या होता है दोस्तों, देखिए हर एक जीव जो है वो बना है किससे, वो बना है कार्बन से। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन उपस्थित ना हो। ठीक है,
तो सभी लोग बने हैं कार्बन से। तो कार्बन के ना दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है कार्बन 12, तीन होते हैं एक्चुअली वो, ठीक है, और एक होता है C13 मानने क्या है ही, और एक होता है C14, ओके। तो ये तीन आइसोटॉप्स हैं, हिंदी में से हम बोलते हैं समस्थानिक। तो ये तीन समस्थानिक होते हैं किसके, कार्बन के। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, कार्बन की जो मात्रा होती है ये करोड़ों सालों तक जो है हड्डियों में भी बनी रहती है। तो फॉसिल के यानी कि जीवाश्म से हम ये पता लगा लेते हैं कार्बन 14 की मात्रा कितनी कम हुई है, और उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि उसकी एग्जैक्ट उम्र कितनी है, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ हमें फॉसिल डेटिंग का। फॉसिल डेटिंग में क्या होता है, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म समय निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉसिल डेटिंग थी, मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, कारकों के नाम लिखे जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर ये लिखे हुए। तो यहाँ पर 3-4 तरह के जो है कारक होते हैं, जियोग्राफिकल की जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, और भी 4 टाइप के जो है होते हैं आपके। सबसे पहला कारक जो है किसी भी नए जीव की उत्पत्ति में, तो उसे हम बोलते हैं जाति उद्भव, ठीक है। किसी भी नए जीव की उत्पत्ति में चार कारक मुख्य रूप से होते हैं। पहला जीन प्रवाह, यानी अगर दो प्रजातियों के बीच अलग अलग तरीके से जीन आती है तो उसे हम जीन प्रवाह कहते हैं, ठीक है। विस्तार से बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, अभी मैं आपको बस 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अनुवांशिक विचलन, ठीक है। अनुवांशिक विचलन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर मेंढक की प्रजाति है या गाय भैंस की, यहाँ पर जो प्रजाति है वो हमारी देसी प्रजाति है, और आप एक विदेश से कोई गाय ले आते हैं, एक सांड ले आते हैं, और उससे जो है कि उसका क्रॉस करा देते हैं, संकरण करा देते हैं, तो जो अब नई प्रजाति बनेगी, वो जो प्रजाति उत्पन्न हुई उसे हम बोलेंगे अनुवांशिक विचलन के द्वारा उत्पन्न हुई है वो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरे पॉइंट है प्राकृतिक चुनाव। तो ये आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक चुनाव क्या होता है, प्रकृति के अनुसार जीवित वस्तुएं ढल जाती हैं, जीवित प्राणी ढल जाते हैं, उसको हम प्राकृतिक चुनाव कहते हैं, ठीक है। और चौथा है भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण का मतलब है जैसे जैसे जहाँ जहाँ भौगोलिक स्थिति होगी उसी के अनुसार लोग हो जाते हैं, उसी के अनुसार उनकी जीन और जो उनके आंतरिक संरचनाएं हैं उसी के अनुसार कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ियों पे पहाड़ियों पे जो व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, उनका आकार छोटा होता है, उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जो प्लेन में है उनकी लंबी होती है। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए समझाया भी है कि जनसंख्या में नदी पहाड़ आदि कारण आता है, इसमें 2 समस्याएं अंतर्जनन नहीं हो पाता, यानी अलग अलग अगर प्रजातियाँ हो जाती हैं तो उसमें समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो मनुष्य में तो ऐसा नहीं है, मनुष्य बहुत ही नज़दीक है एक दूसरे के, सारे नज़दीक का मतलब अनुवांशिक रूप से एक समान है, थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो तो रहता ही, मैंने आपको बताया था विभिन्नता का, इसकी वजह से, ठीक है। ये इनकी मतलब जो जाति होमो सेपियंस है सबकी, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्रॉस करने में, संकरण करने में। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें थी, आप इसे याद कर लीजिएगा, ओके। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है कि उपार्जित लक्षण विकास को दिशा नहीं दे सकते, कारण से समझाइए। अब देखिए यहाँ पर विकास का मतलब है कि अनुवांशिक विकास, जैव विकास, कि एक ही जीव से आगे चलकर लाखों करोड़ों साल बाद एक नए जीव का बनना, नई प्रजाति का बनना। तो यहाँ पर उपार्जित लक्षण उसे कहते हैं जो मनुष्य पूरे जीवन, तो यहाँ पर उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में कार्य कर कर सीखता है, जैसे पढ़ना, साइकिल चलाना, लिखना, और इसके साथ ही जो है कोई वस्तु को उठाना, ये सब मनुष्य यहीं पर सीखता है। और ये ऐसा, और यहाँ पूछा गया कि उपार्जित लक्षण विकास को दिशा नहीं दे सकते, कारण समझाइए। तो कारण हम क्या समझाएंगे, कारण यहाँ पर ये होता है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है, यही कारण है कि उपार्जित लक्षण विकास को दिशा नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। तो जैव विकास क्या होता है दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब स्थानांतरण होता है लक्षणों का बहुत बहुत लंबे समय तक, तो एक नई प्रजाति का विकास होता है। और यहाँ कह रहा है कि वर्गीकरण का अध्ययन, इन दोनों में कैसे संबंध है।
तो देखिए यहाँ पर चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, चार पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो आप याद कर लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है 3 मार्क्स में कई बार और 4 मार्क्स में भी 2-3 बार आ चुका है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोनों में मतलब कैसे जुड़ाव है वो हम बता रहे हैं आपको। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है, यानी जीवों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो उनके आपसी संबंधों के आधार पर ही किया जाता है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण एक जैसे होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा, ठीक है। वैसे ही जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो जीवों में जितनी ज़्यादा निकटता होगी इसका मतलब यह है कि इन दोनों के जो पूर्वज थे वो एक जैसे थे। और चौथी बात ये आती है यहाँ पर कि जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। यानी जो जीव एक जैसे हैं, जिनकी संरचना एक जैसी है, वो एक समान होते हैं और उनको हम एक ही, ठीक है, उनको हम एक ही वर्ग में रखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो विकास और वर्गीकरण में संबंध बताती हैं, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गए 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, अभी 5 मिनट में लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप तुरंत अगर देख लें अपलोड करते ही तो लिंक जो है नीचे है, आप दोबारा विजिट करिएगा 5 मिनट बाद, आपको जो है मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है तो जरूर मिस मत करिएगा। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आप जो है एक ब्लॉग की आईडी पे चले जाएंगे, ब्लॉग वेबसाइट पे चले जाएंगे मेरी, और उसका नाम है मेरा इतिहास। शायद आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिले, जरूर एक बार विजिट कीजिए मेरे इतिहास पर। इसमें मैंने मैथ के तो सारे पेपर डाल दिए हैं, ठीक है, और इसमें जो है मैं साइंस के पेपर डाल रहा हूँ, और इस पेपर का जो है, इस पेपर के जो नोट्स हैं वो मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।